मऊ रानीपुर तहसील के ग्राम मथुपुरा के दर्जनों ग्रामीण आज शुक्रवार को कुडार बांध के पास पहुंचे और वहां से निकली बड़ी पाइपलाइन से पानी लीकेज होने पर चिंतित होने लगे। उनका कहना है कि इस तरह की पाइप लीकेज से ग्रामीणों को भय है, कहीं पाइपलाइन लीकेज है, ऐसा न हो कि अधिक लीकेज हो जाए और बांध फट जाए। सर, जो ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि बंधा फटने की संभावना क्या है? सर, बंधा फटने की कोई संभावना नहीं है, ये नॉर्मल जो सीपेज का पानी है वो आ रहा है फिल्टर से, और ये डैम में जो है इतना बड़ा डैम बना हुआ है तो नॉर्मल प्रक्रिया है, टेक्निकल चीज़ें हैं, इसमें कोई ऐसी संभावना नहीं है। मेरा नाम है धनेश। कहाँ के निवासी? मथुपुरा। क्या समस्या हुई आज? ये समस्या है कि 2-3 दिन से नीचे से पानी लीकेज कर रहा है, बंधा फटने की संभावना है, दिन पे दिन बढ़ रहा है, कोई सुनाई नहीं दे रहा है। आपने किस किस को अवगत कराया है? गांव वालों को दिखाया हमने। गांव वाले क्या कहा है? गांव वाले को दिखाया, सब लोगों को दिखाया, बस। वो यहाँ का जो चौकीदार, उसको बताया आपने? मैंने नहीं बताया, चौकीदार को नहीं देखता, उसको क्या बताएंगे। नाम है आपका? बाल मुकुंद अहरवाल, ग्राम प्रधान मथुपुरा। क्या समस्या हुई आज यहाँ पर? हमारे यहाँ जो बांध बंधा है कुरार बांध, इसमें एक सीपेज के नाम पे बता रहा है जी साहब, लेकिन सीपेज नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर नीचे से एकदम पानी आ रहा है करीब 6 इंची। आपको कैसे जानकारी लगी इसकी? हमारे गांव वालों ने बताया। आपको क्या लगता है? अब यहाँ तो कुछ समझ में नहीं आ रही साहब, अभी बांस भी डालो इसमें तो 10-12 फुट बांस चला गया। अधिकारियों से आपने कहा, क्या कहा था इन्होंने? अधिकारियों बोल रहे कि सीपेज है और जी बंद हो जाएगा, लेकिन ऐसा उम्मीद नहीं दिख रही कि बंद होगा, बांध फटेगा सीधा। क्या नाम है आपका? रामपाल। कहाँ के निवासी? मथुपुरा। क्या समस्या हुई है? समस्या पानी लीकेज हो रहा है बस। कब से लीकेज हो रहा है जी? जब से डैम है जब से हो रहा है। आपने किसी को अवगत कराया? किस किस को अवगत कराया? साहब जो नए नए आए वो मोनको पहले साहब हते, उनको सब खुश होकर अवगत है। उनने क्या आश्वासन दिया आपको? उनने देख लिया, उनने देख के वो बोले इससे कोई खतरा नहीं है। कोई खतरा नहीं है?